बढ़ते हैं आगे। पहले चरण के लोकसभा चुनावों की स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 6 लोकसभा सीटों पर कुल 113 प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल किए थे। इसमें से स्क्रूटनी में 6 प्रत्याशियों के नामांकन रिजेक्ट हुए हैं, वहीं कुल 107 प्रत्याशियों के नामांकन मान्य किए गए हैं। आपको बता दें कि सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये वो सीटें जहां पर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले 30 मार्च तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।